माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पद सर्थि राधा पद सर्थि राधि जय हो सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान तय गौर हरिवाल हरिबो 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस आचार्य चतुर्थ देशी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्री श्रीमद भागवत महापुराण की श्री श्री राधा पारसार्थी भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की गंगा मैया जमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की सामवेद भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बोल परमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक संख्या 24। तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी यो नेत्र भूसुरकुलात् कृतकल्विशस्तम् पश्येन भीत भयमुन्दित त्रैलोक्या मन्यत्र वै मुरारि पोरितरत्र दासा तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी यो नेत्र भूसर कुलात् कृतकल्विशस्तम् पश्येन भीत भयमुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपोर्तत्र दासा तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी यो नेत्र भूसर कुलात् कृतकल्विशस्तम् पश्येन भीत भयमुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपोरितत्र दासा आता है।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तस्मिन उसको दधे दूंगा दमम दंड अहम मैं तब तुमको वीर पत्नी हे वीर की पत्नी यह जो अन्यत्र इसके अतिरिक्त भूसुरकुलात इस पृथ्वी पर देवताओं के कुल से ब्राह्मणों से कृत किया हुआ किल विषह अपराध तम उसको पस्से मैं देखता हूँ न नहीं बीता रहित भयम डर उन मुदिताम चिंता रहित त्रिलोक्या तीनों लोकों में अन्यत्र और कहीं वही निश्चय ही मुर रिपो मुर के शत्रु कृष्ण का इतरत्र दूसरी ओर दासात दास की अपेक्षा अनुवाद दोहराइए हे वीर पत्नी मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है। मैं ऐसे व्यक्ति को यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है दंड देने के लिए तैयार हूं। मैं मुररिपु श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूं। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा जो मुरा नामक असुर के शत्रु होने के कारण मुर द्विष कहलाने वाले कृष्ण का भक्त कहलाता है राज्य के विधानों से बंधे नहीं होते। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों से भलीभांति परिचित रहते हैं अतः वे राज्य या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि कभी वे नियमों की अवज्ञा करते हुए प्रतीत भी हो तो भी उन्हें राजा द्वारा दंडनीय नहीं होते। यही उपदेश नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरिष्ठ को दिया। राजा पुरंजन राजा प्राचीन वरिष्ठ का प्रतिनिधि था। नारद मुनि राजा प्राचीन वरिष्ठ को उनके पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण करा रहे थे जिन्होंने कभी ब्राह्मणों अथवा वैष्णवों को दंड नहीं दिया था। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग दान पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो उसे जागृत कर पाना कठिन हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बताया। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध न करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा जैसे महान योगी को भी महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपमान करने के लिए जो न तो ब्राह्मण थे न सन्यासी थे अपितु सामान्य गृहस्थ थे सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी थी। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे इसलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है तो तब तक वह अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित वैष्णव या ब्राह्मण को वह प्रसन्न न कर ले। दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा था
क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराध करता क्षमा याचना करे, इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकां। वंदेहं श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे गौरांग क्या चल रहा है विषय? सबसे आगे बैठते हो तो सबसे अच्छा सुनते होगे। अरे वो तो हम समझाएंगे भैया। अभी यहां से पीछे बैठना चालू कर दो। जानते हो आगे लाइन में बैठना बड़ा खतरनाक होता है, मालूम है ना? क्लास में जाते थे पहले डंडा मारेगा टीचर उसी को मारेगा। मारना शुरू करेगा एक दो तीन फिर कहेगा अच्छा ठीक है अपना पाठ करके आना, सब कुछ छोड़ देता है। इसको पता है। यू रिमेम्बर क्या है, क्या प्रसंग चल रहा है? फिर ये तो बड़ा साधारण सी बात है भैया, ये तो अच्छा उड़ान की फ्लाई कर दिया एकदम सीधा। तुम बताओ भाई, पता ही नहीं? रमेश तुम बताओ, ध्यान से सुनते हो नहीं? क्या चल रहा है, किसको अच्छा मालूम अपने से बताओ। हाँ अरे वो क्या नाम है आपका? दीक्षित भक्त तो लाल कपड़ा क्यों नहीं है? कपड़े की कमी? तब दो ना उसको, पहले आज ही पहना दो भाई, जो पक्का पंडित आदमी है। देखो इसी प्रकार से इसी तरह का दृश्य जब महाराज दशरथ बाहर से आखेट करके आए तो पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है, ये भी कोप भवन में है। देख रहे हो पुरंजनी महारानी पुरंजनी क्या रूप धारण किया है। तो दशरथ जी क्या कह रहे हैं कैकेयी से, कहूं कहीं नृपही निकासों देसु,
कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु। अरे भाई काहे बताओ, ये बोल रहे हैं ना किसी ने तेरा अपमान किया है, तो दशरथ जी क्या बोल रहे हैं रानी से कैकेयी से कि कोई ऐसा भिखारी है तुम्हारी दृष्टि में जो तुम्हारा कृपा पात्र हो, उसे राजा बना दूं। रंग कहीं करहु नरेशु, रंग को राजा बना दूं। और कोई राजा अगर तुम्हारा उपहास किया हो तो उसे राज्य से बाहर कर दूं। तो इससे पहले श्लोक में आपने देखा प्रभुपाद ने कहा कि जो हैंडपैक्ड हस्बैंड होते हैं, स्त्रैण होते हैं, स्त्रियों की बात सुनते हैं, वो तरह तरह की बातों के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न करने की बात करते हैं। लेकिन ये कृष्ण चेतना का विषय नहीं है। वैसे तो हम सभी लोग पुरंजन हैं, पुरंजन का आख्यान किसके लिए है, तो एलोगरी है ना, तो कहानी कथानक ऐसे बनाया गया है, डुप्लीकेट करेक्टर है पुरंजन, और कोई नहीं, हम आप हैं सब लोग, है ना, मालूम है ना। तो विषय वस्तु क्या है कि हम आखेट करने का मतलब हुआ, बाहर तो हर व्यक्ति जाता है जो गृहस्थ जीवन में है, तो ऐसा तो नहीं दिन भर घर में बैठा रहेगा, उसे कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। और इस तरह की परिस्थिति हमेशा सबके ऊपर आती है, तो प्रसन्न करने के लिए वो तरह तरह की बातें अपनी तरफ से तर्क वितर्क दे रहे हैं पुरंजनी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों का जो मूल विषय है वो क्या है, कृष्ण चेतना। अगर हमारी कृष्ण चेतना सुप्त हो जाती है, ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला, हाँ क्यों मिला, उसे आगे बढ़ गए। सुप्त कृष्ण चेतना है, वास्तव में तो हम शुद्ध भक्त हैं, जीवेर स्वभाव नित्य कृष्णदास, हम स्वाभाविक रूप से हमारा कर्तव्य हमारा धर्म यही है कि हम कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन हम लोगों ने हम मामेति अपना जो आइडेंटिफिकेशन है गलत कर दिया है, हाँ? हम लोग अपने आप को आत्मा न मानकर ये जो बाह्य वस्त्र है, जैसे कपड़ा शरीर का वस्त्र है वैसे आत्मा का वस्त्र ये शरीर है, तो हम अपने आप को आत्मा न मानकर शरीर मान बैठे। अहम मामेति, पहले हम अपने आप को माने शरीर, फिर इस शरीर से संबंधित जितने व्यक्ति हैं, मामेति वो सब मेरे हैं, मैं और मेरे, अहम मामेति, तो उसी बंधन में फिर हम फंस जाते हैं दिन रात, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और इस ममत्व में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जब से हम आते हैं धरती पर, तो मैं ये क्या सिखाती बेटे को, बच्चा तो रोता है अम्मा अम्मा, वो क्या सिखाती है, पापा मम्मी चाची, तो सब यही सिखाती है, तो उसका पहले से ही रंग आइडेंटिफिकेशन होना, उसने ये नहीं सिखाया ना, ब्रह्म जानेति ब्राह्मण तुम ब्रह्म हो, बोधमयम नित्यम, बोधमय हो नित्य हो, उस परमात्मा के अभिन्न अंश हो, ऐसा तो नहीं सिखाया। इसके लिए फिर गुरुकुल की परंपरा तैयार हुई कि भाई माँ ने तो सिखा दिया कि बेटे बेटे हो हमारे, लेकिन गुरु ने बताया कि नहीं बेटा शिष्य हो हमारे, हाँ शिष्य को उन्होंने शिक्षा दी और बताया कि ये जो शरीर है, हाँ ये केवल श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए मिली हुई, अगर हम इस शरीर में रहे 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 70 साल 80 साल और अपने इस कृष्ण संबंध को नहीं स्थापित कर पाए, तब ये मिथ्या जन्म चला गया, गवा दिए। उसी के लिए हमें प्राप्त हुआ, उसी लिए फिर मैं वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई कि हम इस वर्ण में आश्रम में चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से चार वर्ण और चार आश्रमों की व्यवस्था की गई, इसीलिए कि हम अपना अपने आप को समझ सकें। तो प्रभुपाद जी ने इन
वर्णाश्रम के लिए संकल्पना की कि जैसे मायापुर सिटी है, वो चाहते थे कि मायापुर एक आदर्श स्थान बने जहां चारों समाज के लोग रहते हो। एक तरफ सब ब्राह्मण ब्राह्मणिकल कल्चर को जो फॉलो करते हैं, देखो वहां के यज्ञशाला है वहां पर गुरुकुल में, उन्हें मंत्र सिखाया जाता है कि वो यज्ञ पाठ यज्ञ कर सके, हवन आहुति सीख सके, और वहां फार्म भी है, खेती के लिए भी स्थान है। श्री श्री राधा पार सारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। तो उन्होंने सोचा कि चारों वर्णों की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने अमेरिका में न्यू वृंदावन भी लिया। न्यू वृंदावन का नाम सुना, नव वृंदावन, वहां बहुत बड़ा जमीन खरीदा, बहुत बड़ा, बहुत पूरा पहाड़ी है वेस्ट वर्जीनिया में। उन्होंने एक बहुत बहुत से फार्म हाउस लिए कनाडा में और अमेरिका में, बहुत। लेकिन दर्द है, दुख ये है कि हर आदमी शहर में रहना चाहता है, किसी को गांव में भेजो तो भाग जाएगा, बोलेगा अरे भैया वहां पे क्या है, है ना, नहीं चाहते ना। अजय गौरंग जाओगे गांव में, वैसे वापस चले आओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका में तो गांव भी शहर जैसे हैं, वहां सारी सुविधा। अमेरिका तो साइक्लो स्टाइल है, जैसे गांव और शहर में कोई आपको भेद महसूस नहीं होगा, बहुत थोड़ा अंतर, अंतर बस इतना है शहर में भीड़ ज्यादा है और गांव बिल्कुल शांत है। लेकिन वहां सब कुछ है, वहां पर आपको न्यूज़पेपर स्टैंड भी रहेगा, पेट्रोल पंप भी रहेगा, उस पेट्रोल पंप में सारी दुकान में सारी चीजें भी रहेंगी, हर चीज है। तो अलग अलग स्थानों में उन्होंने सोचा कि भाई गांव में विकास होगा, लोग विकसित हो जाएंगे, गौ पालन भी करेंगे, गौशाला भी बनाया, बहुत बड़ी बड़ी गाय, एक समय तो इतनी गायें थी वहां पर न्यू वृंदावन में कि उन्हें मशीन लगाना पड़ता था दूध दुहने के लिए, कोई दूध नहीं सकते थे, इतने आदमी नहीं थे, इतना ज्यादा दूध होता था, मक्खन बनता रहता था। लेकिन सबका प्रयोजन क्या है, एन केन प्रकार हम लोग कृष्ण भक्त बने और कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। वो सभी लोग आते थे शहर में और वहां से पैसा कलेक्ट करके फिर ले जाते थे गांव का डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ जैसे हमारा देश है, यहाँ के गांव के विकास के लिए जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वहां मुहैया कराए, वहां स्कूल खोले, वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करे, तो गांव के लोग गांव में ही सुविधाजनक रह सकते हैं, तब वो शहर में भागेंगे नहीं। क्योंकि जब वो शहर में आते हैं, आपने देखा जब गांव का आदमी शहर में आता है उसके लिए रहने की जगह नहीं होती। गांव में तो गरीब से भी गरीब आदमी काफी फैल के रहता है, काफी बड़ा सा मकान है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, खुली हवा में रहता है। जब शहर में आता है तब बिल्कुल सिकिस्ती में रहता है, चारपाई उठा के भोजन बनाता है, फिर खा पी करके फिर काम पे जाता है। लेकिन वो इस कठिनाई को झेल लेता है क्योंकि व्यवस्था अस्त व्यस्त है। उन जो होना चाहिए, जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, वो संभव नहीं हो पाया। तो ये इसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारे राजा हैं उनका समान व्यवहार नहीं है, वो सब पुरंजन हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, वो सब छांद वेग के चक्कर में चले नष्ट हो जाएंगे एक दिन। तो प्रभुपाद जी ने एक भारतीय कल्चर, वैदिक कल्चर को स्थापित करने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, और वो आंदोलन यह है कि वो गांव वालों के लिए भी सुलभ है, शहर वालों के लिए भी सुलभ है, वो ब्राह्मणों के लिए भी सुलभ है, वैश्यों के लिए भी शूद्र है सुलभ है, शूद्रों के लिए भी सुलभ है, हर तरह के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, और हर लोग सब कुछ करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं, जो हम लोगों का लक्ष्य है। कृष्ण चेतना के विकास के लिए प्रभुपाद जी ने आधारभूत भूमिका तैयार की। उन्होंने कहा कि अगर
हमारी पुस्तकें लोगों को प्राप्त होंगी। इस पुस्तकों में क्या है? कृष्ण की ओर, हमें कृष्ण की ओर जाने के लिए डायरेक्शन प्रेरित करती, प्रेरणा देती। कोई भी व्यक्ति कितना भी ड्राई हो, कितना शुष्क हो, एक बार प्रभुपाद जी की पुस्तक उसके हाथ लग जाती है तो विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप जानते हैं, एक इंग्लैंड में एक बूचर थे, तो लोग जा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो पति पत्नी दोनों जा रहे थे, कहीं यात्रा कर रहे थे, तो कोई डिवोटी खड़े थे, उन्होंने कहा कि सर टेक इट टेक इट। उसने सोचा भाई ये टाइम मेरा खराब करेगा, उसने 10 पाउंड, और उस जमाने में जब प्रभुपाद जी थे 10 पाउंड का बहुत बड़ा माने रहता था, अभी भी है 10 पाउंड बहुत बड़ी नोट है वहां पर, 1 रुपया 100 रुपए के बराबर है, 10 पाउंड 1,000 हो गया। तो उसने दिया उनको डोनेशन के लिए, टेक इट टेक इट। तो फिर दौड़ा पीछे पीछे, उसने पीछा नहीं छोड़ा, उसने कृष्णा बुक दे दी उनको, टेक टेक इट दिस इज गिफ्ट। तो उसने देखा कृष्णा बुक में राधा कृष्ण की जोड़ी कितनी सुंदर, बड़ी आकर्षक। उसने कहा ओके, ही टोल्ड हिज वाइफ टेक इट, इट इज वेरी गुड ब्यूटीफुल। ले लिया, उन लोगों ने रख लिया अपने सेल्फ अपने उसमें बैग में। फिर जब घर आए वापस, तो बहुत दिन के बाद उन्होंने उसको सेल्फ में लगा दिया। तो एक दिन इन दोनों में आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो आदमी सोचा भाई क्या करूं, अभी तो झगड़ा काफी बढ़ गया है, तो शांति से जाकर सेल्फ से वही पुस्तक निकाली, श्री कृष्ण की, वो जो है ना श्री कृष्णा बुक निकाला और देखने लगा, पेजिंग करने लगा। तो उसकी वाइफ इतने में दौड़ के आई, बोली नो नो दिस यू हैव गिवन मी, व्हाई यू आर टेकिंग इट। वो भी बैठ गई, वो भी लगी देखने, पेजिंग करने लगी, फोटो देखने लगी। तो उसने कहा कि व्हाई डोंट यू रीड, लेट अस हियर बोथ ऑफ अस, वी कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ। एक कृष्ण की कहानी उसी में से पढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी कहानी है। तो उन्होंने पीछे देखा तो भक्ति वेदांत जो प्रभुपाद जी का उसमें बड़ी प्लेस में स्थान था, उसका एड्रेस लिखा हुआ था लंदन का। तो बोले व्हाई डोंट वी गो, लेट अस गो देयर। तो दोनों फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिए, जहां उनको जाना था वो छोड़ छाड़ के इधर चल दिए मंदिर की ओर। वहां जब गए तो प्रसादम चल रहा था, सब लोगों ने, जानते हो हरे कृष्णा में इतना तो है, कोई भी जाता बोले प्लीज कम कम ऑनर प्रसाद, टेक फूड, वेरी नाइस वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन। तब उन लोगों ने तो वेजिटेरियन कभी खाया नहीं था, बोले भैया बड़ा अच्छा है, चलो लेट अस सिट। तो बैठे भोजन किए, और पति पत्नी के पास कोई बच्चा नहीं था, तो उसकी पत्नी को बड़ा अच्छा लगा वहां का भोजन, और देखा वहां पर जो लेडीज थी बहुत अच्छी अच्छी साड़ी पहने हुई थी, और बहुत चमकीले लोग लग रहे थे, दोनों को बड़ा अट्रैक्शन लगा। तो बोला व्हाई डोंट वी लिव हियर, वी हैव नो चिल्ड्रन, वी आर फाइटिंग एवरी डे हियर एंड देयर अननेसेसरी, सी पीपल आर सो हैप्पी एंड लुक्स लाइक देयर लेडीज जेंट्स एवरीबॉडी स्टेइंग हियर, लेट अस स्टे एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। तो लोग गए जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनसे बात किया, बोले कि वी कैन आल्सो लिव, यू से यस यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ, वी आर रेडी। बोले यू वी कैन गिव आवर चेक बुक, यू फिल अप व्हाट एवर इज प्रॉपर्टी वी हैव, यू कैन टेक एवरीथिंग। पूरा का पूरा फुल टाइम आ गए ज्वाइन करने के लिए, सब समर्पण कर दिया। ऐसा नहीं जवान से समर्पण किया, जाते देखते हो यहाँ पर जब हमारे हिंदू भक्त आते हैं मंदिर में, तो जेब में ऐसे हाथ डालते हैं, सबसे छोटी रिजकारी ढूंढते हैं, कौन सी ढूंढते हैं, ऐसे जेब हिलाते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी हल्की चौलनी आ रही जेब में, और उसको ले जाके डाल देते हैं। लेकिन उन लोगों में क्या था, इसीलिए प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में प्रचार के बड़े प्रसन्न थे। वहां पर क्या था, लोग बड़े सुलभ थे, उन्होंने सब कुछ दे दिया। एक बार प्रभुपाद जी की तरफ आकर्षित हुए तो ऐसा नहीं कि रोकड़ा अपने पास रखें और कह दें हम आपके पास आ गए, नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग सरेंडर टू गुरु। तो लोग वहां पर रहने लगे, ज्वाइन कर लिए। तो आप ये देखेंगे, अगर आप संकीर्तन डिवोटियों से बात करोगे तो आपको ऐसे पता चलेगा कि लोग इसी प्रकार से प्रभुपाद जी की पुस्तकों के स्पर्श से,
कुछ लोग एक पन्ना पढ़ के, कुछ लोग दो पन्ना पढ़ के, कुछ लोग केवल, बहुत से लोग पुस्तक बांटते रहते हैं और एक आध पाठ सुनाते भी रहते हैं, सुन के भक्त बन गए। इतनी शक्ति है भक्ति वेदांत तात्पर्य में। लेकिन जो यहां पर हम लोग बैठे हैं, महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने में फिर हम लोगों में भक्ति क्यों नहीं जागृत हो रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा नहीं, हम लोगों में भी भक्ति है। हम लोगों के मन में कभी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रभुपाद जी के इस भाव में लगे रहेंगे, इस आंदोलन में जुड़े रहेंगे, और उन्होंने जो चार नियम दिया है इसका दृढ़ता से पालन करेंगे, पालन करने का प्रयास करेंगे, और उनके लिए उनकी जो सेवा का आदेश उसमें लगे रहेंगे, तो प्रभुपाद जी कभी गलत गारंटी नहीं देते। उन्होंने जो वादा किया है कि आई विल पर्सनली कम एंड टेक यू, तो हम लोगों को क्लेम करेंगे, ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे, कृष्ण भगवान के पास ले चलेंगे। इसलिए गुरु आश्रय का यही फायदा है। वैष्णव समुदाय में रहने का क्या फायदा है कि हम लोगों को एक आश्रय मिल जाता है, निश्चिंत हैं हम, हमें पता है हमारा गंतव्य स्थल क्या है, हमें बचाने वाले हमारे पालनकर्ता, हमारे रक्षक हैं ये पूरे वैष्णव आचार्य। प्रभुपाद जी ही नहीं, हमारे गुरु जी ही नहीं, बल्कि ऊपर के जितने आचार्य हैं सबकी कृपा हम लोगों के ऊपर है, एक साथ जुड़ी हुई है। और उस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की, उस प्रकार से राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, सबकी कृपा हमें प्राप्त है। इसलिए हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा एक ही, कृष्ण भक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? कुसंगति। जब हम ऐसे व्यक्ति से संग करते हैं जिसका मन कहीं अन्यत्र भटक रहा है, अवैष्णव का संग करते हैं, तो फिर धीरे 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 हमारा जो कृष्ण भावना अमृत है हमारे हृदय में, वो नष्ट होने लगता है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना, संग त्याग सतो वृत्ते, संग त्याग। तजहु मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमति उपजत प्रभु, पड़त भजन में भंग। पिता तजव प्रहलाद भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, देखा उधर खड़े हैं, क्या बोले? उनके संड और अमरख को लगाया था उनके पिताजी की, इसको शिक्षा दो। वो लोगों ने जाके शिकायत किया कि भैया ये तो हम लोगों का कुछ सुनता ही नहीं, इसकी विद्या अपनी है। उनके गुरु कौन थे? नारद जी। नारद जी ने हरि नाम दे दिया बस उसी को। यही नहीं कि खुद पढ़ते पाठ करते थे, बल्कि अपने सारे दोस्तों को सिखाते थे। कुमार आचरित प्राज्ञ है, सब लोग चलो चलो जप करो हमारे साथ, हरि बोल हरि कीर्तन करो, सबके साथ कीर्तन करते थे। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भैया ये तो बहुत लड़का अभद्र, मेरी बात नहीं मान रहा है, हमारी बात नहीं मानेगा। तो उसने बहुत सी योजना बनाई। पिता था जो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। भरत महतारी, जिस राम के अनन्य भक्त सेवक हैं श्री भरत जी, जिनका जन्म ही केवल राम की सेवा के लिए हुआ है, उस श्री राम को कैकेयी ने प्रसन्नता पूर्वक वन भेज दिया। पिता तजो महतार, भरत तजो महतार, भरत ने माँ को छोड़ दिया, बोले तू हमारी माँ नहीं है, अगर राम को तुम वन में भेज सकती है तो हमें यहां रखने से तुमको क्या फायदा मिलेगा। पिता तजेव प्रहलाद भरत महतारी, बलि गुरु तजेव, महाराज बलि ने मत्स्यावतार को आप लोग सोचते हो कोई साधारण व्यक्ति है, सारा सिस्टम जमा के बैठा हुआ है, कौन है गुरु जी ऐसा? हम जब पहले पहले आए थे बंबई से दिल्ली, तो एक सफेद नई गाड़ी खरीदे थे, मारुति 800, उसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ था। मत्स्य अवतार से हमने कहा यार फ्रेंड्स कॉलोनी चलना है, बोला चलो चलेंगे, और हैंड ब्रेक लगे लगाया लेके चला गया, गाड़ी घिस रही है, इसने अपना एक्सीलेटर छोड़ा नहीं।
बहुत अजीब संत है भैया, गाड़ी का पूरा टायर घिस रहा है क्योंकि जब हैंड ब्रेक है तो मूव नहीं करेगा, चक्का पिछला चक्का उसको ठेल रहा, ठेल ठाल के ले जाके फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचा ही दिया। वहां गया तो एक ड्राइवर आया दौड़ करके, उसने कहा अरे भैया ये क्या कर रहे हो, फिर उसने हैंड ब्रेक दबाया, नहीं बोला अरे भाई मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, तो बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया, कहा कि नहीं भैया। शुक्राचार्य ने कहा कि ये बामन देव को तू ऐसे छोटा मोटा मत सोचो, ये छोटिया नहीं है बच्चा, ये बहुत बड़ा है, पूरा नाप लेगा, इसे सोच समझ करके कमंडलों में जल मत लो। यहां तक कि शुक्राचार्य घुस गए कमंडल के अंदर, अपने शिष्य के प्रति इतना प्रेम था तो उन्होंने जो कुसा डाला साफ करने के लिए, पता है ना शुक्राचार्य की आंख चली गई इसी में, अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए। तो बलि गुरु तजेव बलि ने, और तजेव ब्रज बनितन, ब्रज के बनिताओं ने तो सबको छोड़ दिया, उनके जितने रिश्ते नाते थे सबको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया श्री कृष्ण को प्राप्त। तजह मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमति उपजत प्रभु परत भजन में भंग। जो व्यक्ति बाधक है कृष्ण प्रेम में, हमारी साधना में, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। संग त्याग सतो वृत्ते कड़वीर भक्त प्रसिद्ध थी। तो इसलिए तो ये जो पुरंजन आख्यान है ये हमें नारद जी का एक उपदेश है प्राचीन वरिष्ठ के लिए, कि आप तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण की वृत्ति में आइए। बाद में आप देखोगे कि सब छंद आएगा, पूरा इनकी नगरी में आग लग जाएगी, सब जल जाएगा। अभी तो चाटुकारिता कर रहे हैं, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं, तो पूरा समाज, ये जो भौतिक समाज है इसी में है पूरा समाज। आप देखते हो, फिल्म देखने जाते हो, तुम जाता फिल्म देखने? नहीं, नहीं, कभी नहीं, अच्छा लड़का है फिर तो। आप कहीं बाहर जाते हो, देखते हो बिलबोर्ड, सब बिलबोर्ड, उनका केवल एक ही कार्य है आकर्षण, स्त्री को उन्होंने आकर्षण का केंद्र बना दिया है। सब जगह जहां भी जाओगे फोटो लगा दिया, फोटो लगा दिया है, कोई भी पब्लिसिटी करनी है लगा दिया फोटो, पिक्चर लगा दिया। इसीलिए प्रभुपाद ने एक बड़ा सुरक्षित किला बनाया कृष्णा कांस, कितना अच्छा, सवेरे ही उठा दिया ब्रह्म मुहूर्त में, और सवेरे अगर 2 घंटे जो बैठ के जप कर लिया प्रभुपाद जी के साथ में तो उसकी बैटरी सरचार्ज हो गई। देखते हो ना, मोबाइल काम करेगा बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो नहीं करेगा, 0 0 0 सब खलास खत्म। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक साधना प्रभुपाद जी ने बनाई वो किसके लिए बनाया? चार्ज करने के लिए, कृष्ण भक्ति को आंदोलित कर दिया है। तब फिर आप जब कहीं जाओगे, किसी से मिलोगे, प्रचार करोगे, कोई व्यक्ति कुछ आपको प्रभावित नहीं करेगा, जो मिलेगा वो आपसे ही सुनेगा। और जब आप जब नहीं किए रहोगे तब क्या होगा, जहां जाओगे दूसरे लोग आपको भाषण देंगे, वही सुनाएंगे सब, और आप मुंह बना के सुनते रहोगे, फिर क्या होगा, फिर आपकी जो कृष्ण भावना वही वही खत्म होगी। हाँ, तो हम लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या बताया, प्रोफेशनल बेगर एंड प्रोफेशनल स्पीकर, हम जाएंगे मांगने के लिए लेकिन उनसे कुछ सुनेंगे नहीं, उन्हें सुनाएंगे। क्या क्या बनाया उन्होंने, प्रोफेशनल बेगर, जहां जाए उनसे, क्योंकि सबने सीता जी को छिपा लिया है, हर व्यक्ति दबा दबा के रखा हुआ कि कितना इधर से उधर, खाता बंद किया हुआ है, और सबको लाना है हनुमान जी की तरह रावण के घर से सीता जी को ला रहे हैं, तो हम लोगों को जा जाके लाना है। लाने के कई तरीके हैं, अब ये मत समझो कि जो लोग किसी के घर जाते हैं और चेक ले आते हैं वही ले आते हैं। जो अच्छे साधक हैं, जो हरिनाम संकीर्तन में भी निकलते हैं, आप देखते हो जब हरि संकीर्तन में जाते हो तो हरिनाम करते रहते हो और लोग गाड़ी रोक करके देखते रहते हैं, बड़े प्रसन्न चित्त, बोलते यार इन बच्चों में बड़ा तेज है, देखो हरे रामा हरे कृष्णा वाले चमकते रहते हैं, अलग ही चमकते हैं। तो ये जो आपका ओज है, जो तेज है, जो ऐश्वर्य है, जो आपकी पवित्रता है, ये भी एक आकर्षण, समाज में एक आकर्षण का केंद्र बनती है।
और इस तरह से लोग मंदिर में आने के लिए प्रेरित होते हैं, उनके मन में उत्साह बनता है कि नहीं मैं मंदिर चलूंगा, दर्शन करने जाऊंगा। इसीलिए आप देखिए भगवान श्री राम का जो चरित्र है कितना पुराना है, रामायण काल कितना पुराना है, लेकिन फिर भी अभी हम रामायण पढ़ते हैं सुनते हैं। तो वो लोग जो एक अक्षर के जानकार है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, जो रस संघों के भी जानकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और जो बिल्कुल निरीह हैं, सबके लिए भगवान का चरित्र आकर्षक है। सारे मानवा सभी सभी, एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए राम का जीवन आदर्श है। और ये जो हरे नाम महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है कि जब आप जप करोगे तो आप तो पवित्र हो जाओगे, लेकिन जो आपसे मिलेगा, जो आपसे बात करेगा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि देखो जब भक्त जाते हैं, भक्त कोई बात करते हैं, या कभी कभी कोई लाइफ मेंबर जब दिक्कत में आता है, फंसता है, तो याद करता है, अरे भाई प्रभु जी आप आए नहीं, बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ, आप आ जाते हो, मंगल आरती का पेड़ा देते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आपसे कृपा मिल जाती है। तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिल गया है प्रभुपाद जी ने। तो ये भागवत का हम एक श्लोक रोज पढ़ते हैं, पढ़ करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इससे हम हमेशा भौतिक आकर्षण से बचे रहते हैं। तो हम तो ऐसे पुरंजन के ही तरह हैं, जिस प्रकार से पुरंजन महाकामी का रूप धारण करके किस प्रकार से बात कर रहा है अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो जो संसार है यह इसी प्रकार से कलह प्रायण है, वो पूरा संसार फेमिनिन जेंडर है, वो स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए पूरा अपना जीवन बिता दे रहा। क्यों इतना मेहनत करता है व्यक्ति, समाज क्यों चल रहा है, समाज की धुरी कैसे चल रही है, अहम मामेति के चक्कर में गृह पालन करने के लिए। तो कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं धारण किया, सब गृह मेधी हैं। गृह मेधी कौन है, जो घर को ही अपना समम बोनन लाइफ का मानते हैं, अरे भाई मेरा घर है। एक पहले दो पहले किराए का मकान लिया, फिर एक छोटा सा फ्लैट बनाया, फिर जैसे जो बीसों साल से प्रचार कर रहे हैं, वो देखते हैं कि बहुत से आदमी पहले बड़े साधारण थे, उनको हजार दो हजार देने में बहुत भारी पड़ता था, अभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका धन ऐश्वर्य बढ़ रहा है। जब पैसा उनका बढ़ रहा है तो उनकी डोनेशन भी बढ़ रही है, उनका रहन सहन भी बढ़ रहा है। तो जितनी बार जाओगे, जितने बार नया मकान बनाओगे, सब ले जाएंगे घूम घूम के दिखाएंगे कि देखो ये हमने फार्म हाउस ले लिया, उनको इसी में प्रसन्नता है। लेकिन हर घर में अगर आप राधा कृष्ण के विग्रह, उनकी मूर्तियों को लगा दोगे, उनकी फोटो लगा दोगे, उन्हें अंदर एक संस्कार दोगे, भगवत गीता भागवत का उन्हें अभ्यास कराओगे, तो फिर उनके जीवन में उद्धार हो जाएगा। नहीं वो पुरंजन पुरंजनी बन करके अपने शरीर का त्याग, मल विसर्जन करते हुए शरीर त्याग करके चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों का बहुत बहुत बड़ा पावन कर्तव्य है कि हम जिससे मिले, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, आपन जीवन सार्थक करी करो पर उपकार। हम पर उपकार क्या है कि हम दूसरे को वैष्णव बना सके, और जो यहां आते हैं उनका अभिवादन करें, उनका सत्कार करें, सम्मान करें, उनके मन में किसी न किसी प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रति आकर्षण बढ़े। क्योंकि ये निश्चित है कि अगर प्रभुपाद जी की एक पुस्तक, प्रभुपाद जी कहते थे व्हाट विल डू टू मिनट्स प्रीचिंग, तुम्हारा दो मिनट का प्रचार क्या करेगा, उन्हें एक पुस्तक दे दो। एक पुस्तक अगर उनके पास पहुंच जाएगी तो उनके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। आप देखते हो किसी के पास भगवत गीता दो, कोई मेंबर बने थे 2500-300 साल पहले, कुछ लोग मेंबर बने थे प्रभुपाद जी के जमाने में, उनके पास ऐसी भगवत गीता है, बड़ी लंबी चौड़ी भगवत गीता, बोलेंगे देखो ये हमें स्वामी जी ने दिया था। किसी किसी के पास प्रभुपाद जी का सिग्नेचर भी है, प्रभुपाद जी ने खुद बनाया था उन्हें 555 में या 1111 में उनका रखा हुआ है, और बहुत प्रेम से उसको रखे हुए हैं सजा करके। जाओ तो बड़े बड़े भाव से बताते हैं, मैं जैसे देखो ये श्यामा अग्रवाल थी, मिसेस अग्रवाल, जिनका लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है, तो उस समय उनके पास मर्सिडीज कार होती थी, तो प्रभुपाद जी को लेने जाती थी एयरपोर्ट, तो बहुत से ब्रह्मचारी भक्त थे,
वो बोले हाउ कैन लेडी ड्राइव फॉर यू प्रभुपाद, यू नो शी इज माई डॉटर सिविल ड्राइव। अब वो इसी से चकनाचूर हो गई कि प्रभुपाद जी मुझे अपनी बेटी मानते थे। वो बहुत बड़ा भाव उनके अंदर रहता था, तो जब भी प्रभुपाद जी आते थे मालछा मार्ग उनके बंगले में कई बार ठहरे, कई बार प्रोग्राम हुआ, क्योंकि वो VIP एरिया है मालछा मार्ग चाणक्यपुरी में, तो इसलिए बड़ा प्रभाव पड़ता था उस एरिया में। तो ये है कि प्रभुपाद जी ने किसी न किसी प्रकार से हर आदमी को आंदोलित किया, और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हम लोगों को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्होंने तो बहुत कष्ट उठाया। झांसी में कितना कष्ट उठाया, झांसी में एक सुरेश चंद्र शास्त्री थे, वो आते थे हमारे यहाँ, तो बोले जानते हैं रात 12 बजे प्रभुपाद जी उनको उठा देते थे, शास्त्री जी सुनो सुनो उठो उठो। बोले अरे भैया आप बूढ़े आदमी, आपको नींद लगती नहीं, बखान खा मेरे को जगा देते हो। बोले शास्त्री सारे सारे उठ जाओ, क्या अच्छा बताइए, आई हैव गॉट द सॉल्यूशन, इस पूरे विश्व को कृष्णा कॉन्शियस बनाने का तरीका मेरे पास आ गया। अच्छा, और फिर बात करने लगते थे कि देखो ये कृष्ण भावना कितना, ये अमृत है अमृत है। तो वो बोलते थे कि मेरे तो समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, वही नींद में रहते थे, उन्हें लगा रहा कि कभी शांत हो हम सोए आगे बढ़े हमारी गाड़ी। लेकिन जब प्रभुपाद जी अमेरिका से लौट के आए, जब उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया, तब उनकी आंखें खुली कि अरे भैया कितने अद्भुत व्यक्ति थे प्रभुपाद जी। ये जो थे ना आचार्य प्रभाकर, अभी अभी उनका देहावसान हुआ, जगत गुरु बन के चले गए, तो वो भी बड़ी गंभीर लीलाएं बताते हैं कि प्रभुपाद जी कभी कभी कोई नहीं था उनके साथ, वो दो आदमी बोलते थे प्रभाकर चलो हम लोग गांव में चलते हैं, ये लोग साइकिल से दूसरे गांव में चले जाते थे झांसी से कहीं, और गांव में प्रचार करते थे फिर आते थे। तो आप समझिए कि अब तो आपके पास कितना, आप तो बोलते हो रे इस मंदिर में मन नहीं लग रहा, यहाँ मोहन रूपा प्रभु सुनेगा नहीं प्रसाद खराब करेगा, चलो हम आगे बढ़ जाते, जहां मलाई पिस्ता बराबर मिलता है वहां चले जाएंगे भैया, कोई हम ठीका थोड़ी लिए हैं क्या। तो यहाँ आप तो ढूंढ लोगे, सिलेक्शन है आपके पास, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इस मंदिर में नहीं रहूंगा दूसरे मंदिर में रह लूंगा, जहां मलाई पिस्ता मिलता होगा दबा के वहां चलूंगा, कोई क्या हमारा बिगाड़ लेगा। लेकिन प्रभुपाद जी के पास तो कुछ नहीं था, वो निहत्थे थे और उम्र में कितने बुजुर्ग थे, लेकिन उन्हें अब गुरु आश्रय था, उन्हें अपने गुरु में विश्वास था कि नहीं भक्ति सिद्धांत ने कहा है कि प्रचार करो तो करने की शक्ति वो देंगे, जरूर करूंगा। तो इसलिए हम लोग इस आंदोलन में आ गए हैं, सही हो गलती हो अब तो आ गए बैठ गए, तो बैठ गए तो एक ही काम हम लोगों को करना है, अपन जीवन सार्थक करिए गंभीरता से। जब हम जो भी साधना कर रहे हैं उसमें हमें किसी को बोलना नहीं पड़े, साधक का मतलब क्या हुआ, 24 घंटे अलर्ट हो। जैसे आर्मी वाले हैं, उनको एक बार ट्रेनिंग दे दी गई वो फिर समझ जाते हैं, फिर देखो आर्मी की तरह एकदम तैयार, जानते हैं कहाँ सल्यूट करना है, कहाँ तेजी से चलना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना। उसी तरह न्यू भक्ता आश्रम में आए, सिखाया, उसके बाद तो पक्के पंडित हो गए, तो फिर ये नहीं कि फिर घंटी बजेगी कोई आके जगाएगा तो हम उठेंगे, फिर तो आप एकदम सिद्ध हस्त हो जाओ, जहां रहो कृष्ण नाम का प्रचार करते रहो, मिलते रहो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें बांटते रहो और उसका स्वाध्याय भी करते रहो। तो इस पुरंजन के इस आख्यान से हमको ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम स्त्रीण नहीं बने, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए भाषा नहीं सीखे बोले नहीं, बल्कि हम मृदुलता पूर्वक श्री कृष्ण के संदेश को प्रचार करने के लिए वो ज्ञान सीखे। हमारे अंदर भाषा में स्पष्ट होना चाहिए, हमारी वाणी में इतना माधुर्य हो कि एक बार जो सुने तो कहने लगे कि अरे क्या क्या बोलते हैं महाराज आप, क्या सुंदर है, निर्मल वाणी है आपकी। क्यों निर्मल वाणी कब आएगी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन से मोहि पावा मोहि कपट। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय में भगवान के दर्शन होने लगेंगे, जब आप नाम सुमिरन करोगे हरे कृष्ण बोलोगे तो रोमांच कंपा सतरंग, कभी कभी बड़े बाल खड़े हो जाए, इतनी प्रसन्नता हो जाए, भिन्ना तब नाम नामिना। बार बार जब करते हैं कभी कभी हमें रुक जाना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब भगवान के नाम का जप करते हैं हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है उस श्रवण इंद्रिय के साथ, जब हम सुनते हैं गंभीरता पूर्वक, तब ये प्रभु कृपा करके
हमारे मन में जितनी असंगतियां हैं विसंगतियां उसको दूर करके अपने लायक प्रभुपाद जी के लायक भक्त बना देते हैं। तो हम श्री राधा पारसार्थी से श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के अपने योग्य बनाए कि हम उनके इस आंदोलन में एक छोटी बड़ी कुछ भी भूमिका हमको जो भी मिले कार्य करने के लिए, नाम का प्रचार करने के लिए और नाम जपने के प्रति आसक्ति भी पैदा कर दें। ऐसा नहीं कि हम जब नाम जपें तो हमारा मन इधर से उधर भटकता रहे, जब हम नाम जपें तो सुनाई पड़े कि हाँ हम आवाज कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो जा रहा है कान में, कि दूसरे लोग सुन रहे हैं कि आप जप कर रहे हो अपने कान में नहीं जा रहा, तब नहीं अच्छा हो, अपने को भी सुनाई पड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत पुराण की। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। रुक जा भाई। तो आज का जो श्लोक है इसमें प्रश्न पूछो, जो प्रभुपाद ने संदेश बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वैष्णवों और ब्राह्मणों के प्रति हम बहुत सावधान रहें कि कोई अपराध ना हो। तो राजा पुरंजन अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि यदि किसी ब्राह्मण ने अगर दुर्व्यवहार कर दिया या वैष्णव ने दुर्व्यवहार कर दिया तो मेरे पास कोई उसका तरीका नहीं है, कोई इलाज कोई दंड नहीं है। तो जैसे दुर्वासा मुनि, भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी लीला में दिखाया कि दुर्वासा मुनि जो है ठहरे हैं द्वारका में, कृष्ण के भवन में ठहरे हुए हैं और जो है बड़ा अजीब व्यवहार करते हैं, लेकिन सब कृष्ण के जो सेवक हैं और कृष्ण स्वयं भी उनकी सेवा में लगे हैं और बड़ी सावधानी पूर्वक सेवा में लगे हैं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मुझे खीर खाना है, तो कृष्ण ने खीर मंगाई तो दुर्वासा मुनि जो है कृष्ण से कहते हैं ये खीर अपने पूरे शरीर में लगाओ, तो कृष्ण जो है बिना कुछ सोचे पूरे शरीर में खीर को लगा लिया। इसके बाद फिर बाहर आए तो एक रथ जो है बिना घोड़ों के रथ रखा था, खड़ा था, उसमें बैठ गए और रुक्मिणी को आदेश दिया कि रथ को खींचो। अब रुक्मिणी जी इतने कोमल शरीर वाली हैं, रथ को कभी खींचा नहीं, तो जब खींच रही रथ को तो बहुत तकलीफ हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है और सब सेवक लोग देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कैसा मतलब ये अन्याय हो रहा है, कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण के आदेश से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। रुक्मिणी जी रथ को खींचते खींचते गिर गई तो फिर रथ से कूद करके दुर्वासा मुनि जो है गुस्सा होकर के और जा रहे हैं और कृष्ण जो है अपने पूरे शरीर में खीर लपेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि मुनीश्वर प्रसन्न होइए। तब जो है दुर्वासा मुनि फिर प्रसन्न हुए और कृष्ण को भी उन्होंने वरदान दिया, रुक्मिणी देवी को भी वरदान दिया। तो इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो वही दुर्वासा मुनि का इतना दुर्व्यवहार कृष्ण सहन करते हैं, लेकिन वही दुर्वासा मुनि ब्राह्मण एक वैष्णव का अपराध करें, अम्बरीश महाराज का अपराध करें तो चक्र भी भेज दिया। तो इस प्रकार से वैष्णवों का जो महत्व है वो ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए वैष्णव और ब्राह्मणों के प्रति कि अगर उनका कुछ दुर्व्यवहार होता है तो हमें जो है कैसे तरीका किस तरीके से हमें करना है, बचना है, अपनी रक्षा करना है। एक मिनट, प्रश्न है, बोलो माइक पर बोलोगे। अरे बोल दो माइक पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बहुत। जब भी आप प्रवचन देते हैं तो भगवान श्री राम जी के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि हम अपने शरीर पे कपड़े पहनते हैं तो ये कपड़े जो है शरीर के लिए है, तो उसके बाद कहा था आपने कि उसी तरह आत्मा का जो कपड़ा है वो शरीर है। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रहा कि जैसे हम अपनी इच्छा से कपड़े उतार देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, तो वैसे ही अगर हम आत्मा हैं, अगर ये पता है कि अगर हम आत्मा हैं तो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के दूसरा शरीर क्यों नहीं पहन लेते हैं, केवल जब मृत्यु होती है उसी समय क्यों? तो नहीं, आप जैसे लोग जिनके पास इतना बल है और इतना विचार है जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऋषि हुए हैं योगी जो पर काया प्रवेश कर सकते थे अगर उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जब आप इतना आत्मभूत हो जाओगे, आत्मा में इतने तल्लीन हो जाओगे,
शरीर का भान ही आपके उससे निकल जाएगा, तब आप अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कलयुग में इतना ही बहुत है कि आप आत्मा की तरफ आकृष्ट हो जाओ, क्योंकि ये जो स्थान है इट इज नॉट फॉर जेंटलमैन। इसके लिए है यहां पर हम लोगों ने पापाचारियों को यहां जन्म मिला है, इस धरती पर बहुत बहुत पाप किए हैं। पुण्य आत्माएं यहां बहुत, वहां पुण्य आत्माएं भेजी जाती हैं गोलोक से और लोगों को बचाने के लिए। इसलिए हमें तो ये प्रयास, ये ही आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, कितने लोग जल रहे हैं, संसार दावानल, दावानल में जल रहे हैं, आप तो किस तरह से भाग के आ गए गुरु की शरणागति में। तो इस ठंडी रोशनी में, चांदनी में, इस कान की छत्र छाया में अपने आप को प्रफुल्लित रखो। अभी शरीर काया प्रवेश बदलने की कोशिश मत करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, आप जब रामचरितमानस का श्लोक दोहा बोलते हैं चौपाई, तो कभी आप रामचरितमानस के ऊपर ही दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगे, अलग अलग शिक्षा है उसके अंदर, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हरे गुरु जी से पूछ लो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके मुखारविंद से श्रावण मास की जो हरियाली तीज में उद्गार सुनने का 12 साल के बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी तो हम कह नहीं पाए, क्लैपिंग से हमारी शब्दावली को मत दबाइए, प्रसन्नता को जरूर व्यक्त करिए। तो हम और आपका बैकिंग जो है, वर्तमान अध्यक्ष महोदय श्री मनमोहन रूपादास अखंड ब्रह्मचारी जी ने संगीत के साथ किया, या भी आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो गया। हमारा प्रश्न है, जैसे आपके उद्बोधन में कई विषय आपने बताए, लेकिन संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, भगवद गीता 3rd chapter verse number 21, श्री भगवान उवाच, यत यत आचरत श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः, शायत प्रमाणम कुरुते लोको वस्तदनुवर्तते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, गॉड्स ब्लेस दोज फैमिलीज हुअर वुमेन आर हैप्पी एंड वेल ट्रीटेड। अभी 3 दिन पहले हमारे पार्लियामेंट्रियंस ने ऑनरेबल स्पीकर मिसेस सुमित्रा महाजन, जो भारत की बेटी और भारतीय देवी स्त्री हैं, पेपर बाल से अटैक किया। तो इससे क्या हमारे 130 करोड़ भारतीय आम जनता को संदेश जाता है, और ऐसे दुष्ट और कुकर्मी लोगों को जिन्होंने एक महिला के ऊपर ऐसा आघात किया, श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार के दंड का विधान करता है, इसके संदर्भ में आप प्रकाश डालें। हरे कृष्णा। दंड का विधान तो है कि उन्हें दंड दे दिया जाए, लेकिन दंड का विधान देने वाले भागवत नहीं पढ़ते ना, यही दुर्भाग्य है। दंड तो आप पढ़ते हो भागवत, लेकिन आपको अधिकार नहीं दंड देने का। तभी तो आपको यथा लाभ संतोष, जिस तरह से वो लोग जो भी कर दें इतना ही काफी। उन्होंने तो सस्पेंड किया, उन्हें 1 हफ्ते के लिए बाहर कर दिया है पार्लियामेंट से, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकते 3 अगस्त तक। 3 अगस्त तक, तब तक के लिए तो आप खुशी रहिए, उसके बाद फिर जब दुखी हो जाना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त दोनों एक ही दिन है, हार्दिक बधाई और शुभकामना। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल परमानंद।